भोजपुरी सुपरस्टार्स अपने स्टारडम को कैसे मैनेज करते हैं। जी हाँ, स्टारडम तो आपने बॉलीवुड और साउथ की इंडस्ट्री में भी देखा होगा। अब स्टारडम का पता कैसे चलता है? जिस हीरो के पास जितनी ब्रांडेड और महंगी कारें हैं, महंगे घड़ी हैं, महंगे घर हैं, या फिर जो स्टार जितनी बड़ी और महंगी वैनिटी वैन यूज़ करता है, वो है सबसे बड़ा स्टार और उसका स्टेटस है सबसे हाई फंडा। तो आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री भी इन सब मामलों में किसी से। अब आपने तो देखा होगा, जब लोकसभा का चुनाव था 2019 में, तब भोजपुरी इंडस्ट्री का कितना बड़ा बोलबाला था। जी हाँ, जगह जगह हमारे भोजपुरिया स्टार भाई प्रचार प्रसार करने जाते और उनके लिए चैटेड प्लेन की व्यवस्था की गई थी। खैर, अब हम आते हैं उनके स्टेटस पे। जी हाँ, हमारे भोजपुरिया स्टार्स का भी स्टेटस कम नहीं है। अब आप ले लीजिए खेसारी लाल यादव को ही। तो भाई, खेसारी लाल भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े ही कम समय में बड़ा ही बड़ा नाम बन चुके हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव के पास अब आप अगर प्रॉपर्टी, स्टेटस और ये सब की बात करें, तो वो किसी से भी पीछे नहीं है। घर के सामने पार्किंग एरिया में फॉर्चुनर कारें हैं और कई महंगे बुलेट्स हैं। और साथ ही साथ खेसारी लाल यादव जो वेयर करते हैं, यानी कि घड़ी से लेकर सोने से लेकर, उनकी अगर पूरी कीमत आपकी जाए तो करोड़ों में होगी। जी हाँ, आपको तो पता ही है कि खेसारी को सोने की चेन की कितनी बड़ी चाहत है और कितने बड़े क्रेजी हैं वो सोने की चेन को लेकर। उन्हें ये अच्छा लगता है कि कोई उन्हें गिफ्ट में सोने की चेन या ब्रेसलेट देता है। ठीक उसी तरह से हमारे पावर स्टार पवन सिंह को घड़ियों का बहुत शौक है। पावर स्टार पवन सिंह की हम आपके सामने कुछ ऐसी फ़ोटो ला रहे हैं जहां उन्होंने हर एक इवेंट में अलग अलग घड़ियां पहनी हैं, और अगर आप उन घड़ियों की कीमत जानेंगे तो चौंक जाएंगे। जी हां, जैसे कपड़े वैसे ही पवन सिंह की घड़ियां। आपको ये भी बता दें कि पवन सिंह की ये जो घड़ियां हैं, वो आप इन्हें सस्ते में आंकने की कोशिश मत कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि पवन सिंह के पास इतनी सारी घड़ियों का कलेक्शन है तो पवन सिंह ऐसे ही कोई थोड़े बहुत यानी कम पैसे की घड़ियां यूज़ करते होंगे। जी नहीं, जो बंदा मर्सिडीज़ और रेंज रोवर जैसी कार में चलता हो, जिसका काफिला ही इतना महंगा हो, तो वो घड़ी क्या ऐरी गैरी पहनेगा। जी हाँ, आजकल जो पवन सिंह घड़ी पहन रहे हैं वो लाखों की है। उसकी कीमत, उसकी मार्केट प्राइस आप जान जाएंगे तो हैरान हो जाएंगे। पवन सिंह रोलेक्स की घड़ी पहन रहे हैं आजकल। इससे पहले भी कई महंगी घड़ियां पहनी हैं पवन सिंह ने, लेकिन आजकल उनका चहीता ब्रांड रोलेक्स का हुआ है। यही चहीता ब्रांड संजय दत्त का भी है। संजय दत्त भी हमेशा रोलेक्स की घड़ियां पहनते हैं। इन घड़ियों की ये विशेषता होती है कि ये अभी गिर जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ हमारे दिल की धड़कन से इनका एक अलग ही कनेक्शन होता है, और इनकी डिज़ाइंस इतनी खूबसूरत होती है कि घड़ी पसंद करने वाले किसी भी दीवानों को अपने लिए आकर्षित कर सकती है। साथ ही साथ घड़ी को पसंद करने वाले लोग, यानी जो लोग वॉच लवर होते हैं, उनके लिए रोलेक्स भाई किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जी हाँ, हम आपको सही कह रहे हैं कि किसी भी मंदिर से कम नहीं। आपको बता दें, पवन सिंह जो घड़ी पहन रहे हैं उसकी कीमत 3.5 लाख से 4 लाख रुपए के बीच में है। और साथ ही साथ इसके पहले जो इतनी भी पवन सिंह ने घड़ियाँ पहनी हैं उनकी भी प्राइस सुन लीजिए। अपना एक गाना जो कि उनका होली सॉन्ग आया था, उस पर उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था। कुछ महीने पहले पवन सिंह ने एक मीडिया इंटरेक्शन किया था जहां पर उन्होंने अपने होली सॉन्ग को प्रमोट किया। अब आपको बता दें कि इस होली सॉन्ग के प्रमोशन में जो पवन सिंह ने घड़ी पहनी थी वो एप्पल की डिजिटल वॉच है। जी हां, इस एप्पल के डिजिटल वॉच में आपको ये पता चलेगा कि आप अगर किसी मीटिंग में बैठे हैं तो आपको फ़ोन किसका आ रहा है, ईमेल किसका आ रहा है, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कौन कर रहा है, और साथ ही साथ आपके दिल की धड़कनों का क्या हाल है, आप कितने कदम पैदल चले हैं, और तो और
हर चीज़ की टाइमिंग जो आपने वॉच में फिट कर दी है वो आपको समय समय पर बताएगी। यानी कि इतनी बेहतरीन वॉचेस का शौक रखते हैं पवन सिंह। अब आपको एक और इवेंट याद दिलाते हैं, द कपिल शर्मा शो। जी हाँ, द कपिल शर्मा शो में पवन सिंह का गेटअप तो आपको याद ही होगा, बड़ा ही बेहतरीन था। आपने उनके वॉचेस गौर की थी? अगर नहीं की तो हम आपको बता देते हैं कि कहा जा रहा था कि पवन सिंह ने स्पेशली द कपिल शर्मा शो के लिए ये वॉच खरीदी थी। ब्लैक कलर की इस वॉच पे जिसका भी ध्यान गया सभी को ये आकर्षित करने लगी। जी हाँ, आपको बता दें कि पवन सिंह के पास संजय दत्त की तरह काफ़ी वैरायटी वाइज वॉचेस हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पवन सिंह जितने भी फिल्मों में जितने भी एल्बमों में वॉचेस पहनते हैं वो सारी वॉचेस उनकी खुद की हैं। आप आज के बाद हर फिल्म और हर एल्बम में गौर कीजिएगा, आपको हर वॉच हमेशा अलग मिलेगी, क्योंकि पवन सिंह अपनी वॉचेस रिपीट नहीं करते। सिवाय इन दिनों जो रोलेक्स का खुमार पवन सिंह पे चढ़ा है उसकी तो बात ही अलग है। तो यकीन है आपको हमारी ये रिपोर्ट ज़रूर पसंद आई होगी। और अब अगर आप पवन सिंह के फ़ैन हैं तो भाई आज से गौर कीजिएगा कि पवन सिंह के कलेक्शन में कितनी महंगी घड़ियां हैं, क्योंकि कारों और घर का तो आपको पता ही है, घड़ियों के बारे में यकीन है आपको नहीं पता होगा। तो आज से आप ज़रा गौर कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने बड़े दीवाने हैं पवन सिंह घड़ियों के। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।